हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का एक टॉपिक, वीन्स ब्रिज। ठीक है, देखो वीन्स ब्रिज में, एक सेकेंड, एक बार मैं लिख देता हूँ, वीन्स ब्रिज। देखो वीन्स ब्रिज का हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये सर्किट हमें दिया हुआ है, इसमें ये फर्स्ट ब्रांच में रजिस्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर है और सेकंड ब्रांच में रजिस्टर के सीरीज में एक कैपेसिटर है। ठीक है, थर्ड ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है और फोर्थ ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ हमने इन दोनों ब्रांच के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड ब्रांच के बीच में मैकेनिकल लॉकिंग होती है और इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 C1, R2 और C2 ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं और इनको चेंज करके ही हम इस सोर्स की, जो ये सोर्स है ना, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वीन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम जानते हैं कि ब्रिजेज में अगर मैं बैलेंस कंडीशन पर हैं, अगर हम बैलेंस कंडीशन पर हैं, इसका मीन्स जब इस डिटेक्टर में से करंट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, उस कंडीशन पर जब ये डिटेक्टर में करंट जीरो होगी तो उस कंडीशन पर Z1 × Z4 बराबर होता है Z2 × Z3। ठीक है, इसका मीन्स इस ब्रांच का इंपीडेंस मल्टीप्लाइड विद फोर्थ ब्रांच का इंपीडेंस, ठीक है, बराबर होगा सेकेंड ब्रांच का इंपीडेंस इंटू थर्ड ब्रांच का इंपीडेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सर्किट में, हम पहले Z1 निकालेंगे, अभी Z2, Z3 और Z4 और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन है। कब? एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, बैलेंस कंडीशन तब होगी जब ID बराबर करंट कितना हो जाएगा, जीरो। मींस इस डिटेक्टर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम Z1 निकालते हैं। देखो Z1 निकालना है, ठीक है, और R1 और C1 पैरेलल में है ना, और पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो R1, देखो R1 × इसका इंपीडेंस, इसका इंपीडेंस क्या होगा, इसका इंपीडेंस होता है 1/j ωC1, यही होता है ना, डिवाइड बाई R1 + 1/j ωC1। देखिए एक बार मैं बता देता हूं, जब दो इंपीडेंस, ये एक इंपीडेंस है, ठीक है, Z1 मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और इसको आप Z2 मान लीजिए, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल इंपीडेंस हम क्या लिखते हैं, Z बराबर Z1 Z2 / Z1 + Z2। तो हमने इसी से किया है, देखो Z1 कितना है, R1, तो R1 × 1/j ωC1, ठीक है, डिवाइड बाई R1 + 1/j ωC1, इसी की तरह हमने यहाँ पे इसको हमने कर दिया है। ठीक है, तो कोई बिग डील नहीं है, ये आपने देखा होगा पहले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ से आप नीचे से जे ओमेगा सी वन आप कॉमन लीजिए, तो ऊपर देखो ऊपर क्या आएगा, R1 / j ωC1 / देखो अगर आप यहां से j ओमेगा सी वन कॉमन लेंगे, j ओमेगा सी वन, सॉरी एलसीएम ले लिया आपने, j ओमेगा सी वन, तो क्या आएगा, देखो तो यहां आएगा j ωC1 × R1 और यहां आएगा +1। ठीक है, तो j ओमेगा सी वन से j ओमेगा सी वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z1 क्या मिला मुझे, तो Z1 मिलेगा R1 / 1 + j ωC1 R1। ठीक है, 1 + j ωC1 R1, ठीक है, यही मिलेगा ना, तो ये निकल गया Z1। ठीक है, Z2 क्या होगा बताओ मुझे, Z2 बराबर Z2, देखो ये है ना, तो सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो R2 + 1/j ωC2। ठीक है,
तो R2 टू प्लस वन अपॉन जे ओमेगा C2, सिंपल। तो ये हमें क्या मिलेगा Z2, ठीक है। Z3 क्या होगा बताओ, Z3 होगा R3, ठीक है। और Z4 क्या होगा बताओ, Z4 होगा R4, ठीक है। तो मिल गया हमें Z1, Z2, Z3 और Z4, हमें चारों मिल गए। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए आप, Z1 कितना था, तो Z1 है R1 डिवाइड बाई 1 प्लस J ओमेगा C1 R1। देखिए यहाँ पे जहाँ भी हम ओमेगा लिख रहे हैं, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलिए Z1 इंटू Z4, Z4 कितना है, Z4 है R4, तो हमने यहाँ लिख दिया R4 इक्वल्स क्या होगा देखो Z2, Z2 कितना है, Z2 है R2 प्लस 1 डिवाइड बाई J ओमेगा C2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद Z3, Z3 कितना है R3, Z3 कितना है यहाँ पे R3, ठीक है। तो Z1 into Z4 बराबर Z2 into Z3, ठीक है, सिंपल यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे इस साइड में और इस R3 को ले आएंगे नीचे की साइड में, ठीक है। तो देखो क्या आने वाला है, तो इस केस में क्या आएगा देखो, तो आएगा R1 R4 डिवाइड बाई R3 बराबर ये उस साइड में जाएगा, तो ये होगा देखो R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस J ओमेगा C1 R1। तो देखो इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, तो ये होगा देखो R1 R4 डिवाइड बाई R3, ठीक है, बराबर इधर देखो इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा देखो R2, इधर से क्या आएगा R2 प्लस इधर देखो इसका गुणा करेंगे तो J ओमेगा C1 R1 R2, ठीक है। इसका इसमें कीजिए कितना आएगा देखो, तो 1 अपॉन J ओमेगा C2, ठीक है। इसका इसमें कीजिए देखो क्या आएगा, तो प्लस के J ओमेगा C1 R1 डिवाइड बाई J ओमेगा C2, ठीक है। तो हमने अंदर गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया, R2 प्लस R2 का इसमें किया तो J ओमेगा C1 R1 R2 आ जाएगा। इसका इसमें किया तो 1 अपॉन J ओमेगा C2, इसका इसमें करेंगे तो J ओमेगा C1 R1 डिवाइड बाई J ओमेगा C2। तो देखो यहाँ से J कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, R1 R1 R4 डिवाइड बाई R3 बराबर R2 प्लस J ओमेगा C1 R1 R2, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, यहाँ हम प्लस देखो J का हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और J का ही हम नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि नीचे से ये J हट जाए, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा देखो, प्लस यहाँ बचेगा देखो C1 R1 अपॉन C2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा C1 R1 अपॉन C2। तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैं इस सर्किट को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है।
इसका मींस रियल पार्ट बराबर के उधर की साइड में रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। देखो यहाँ इधर की साइड में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट को हम क्या लेंगे, जीरो। ठीक है, तो चलो बराबर कराते हैं। तो एक तो क्या आएगा, देखो एक तो ये आएगा कि आर वन आर फोर अपॉन अपॉन आर थ्री बराबर क्या आएगा, देखो अपॉन आर थ्री बराबर एक तो क्या है यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आर टू, दूसरा रियल पार्ट क्या है यहाँ पे ये है प्लस सी वन आर वन डिवाइड बाई सी टू। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए अब हम कराते हैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वल, तो इधर तो कोई है ही नहीं तो जीरो बराबर, इस साइड में क्या है देखो इस साइड में है ओमेगा सी वन आर वन एंड आर टू, और देखो ये हो जाएगा जे अपॉन, देखो ये जे स्क्वायर होगा और जे स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन। चलो इस इक्वेशन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो आर वन आर फोर अपॉन आर थ्री बराबर होगा आर टू प्लस जे ओमेगा सी वन आर वन आर टू माइनस जे अपॉन ओमेगा सी टू। ठीक है ना, क्योंकि जे इंटू जे कितना हो जाएगा माइनस का जे प्लस सी वन आर वन अपॉन सी टू। ठीक है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट कितना देखो, तो ये है माइनस के वन अपॉन ओमेगा सी टू। ठीक है, सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिख लिया और इमेजिनरी को लिख रहे हैं हम इमेजिनरी के बराबर, क्योंकि इधर की साइड में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, जीरो। क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर की साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा, देखो वन अपॉन ओमेगा सी टू बराबर क्या आएगा, यह आएगा देखो ओमेगा सी वन आर वन इंटू आर टू। ठीक है, अब देखिए इस ओमेगा को इधर सेंड कर दीजिए आप, इस ओमेगा को इधर सेंड कर दीजिए और इस पूरी टर्म को इधर की साइड ले आइए। ठीक है, तो क्या होगा देखो ये ओमेगा उधर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ये पूरी टर्म नीचे की तरफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा देखो वन अपॉन सी वन सी टू आर वन आर टू। समझ आ रहा है, इस ओमेगा को उस साइड ले गए तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, इनको नीचे की साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा देखो सी वन सी टू आर वन आर टू। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा क्या आएगा देखो अंडर रूट वन अपॉन सी वन सी टू आर वन आर टू। तो ये होगी वीन्स ब्रिज के केस में फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे एफ चाहिएगा हर्ज में, ठीक है फ्रीक्वेंसी अगर हर्ज में चाहिए तो हम क्या करेंगे ओमेगा अपॉन टू पाई कर देंगे। ठीक है, ओमेगा कितना है देखो ओमेगा है तो ये कितना आ जाएगा देखो वन अपॉन में टू पाई एंड अंडर रूट में क्या आ जाएगा वन अपॉन सी वन सी टू आर वन आर टू। ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, तो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई की। ठीक है, तो हमने वीन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो देखो हमारा ओमेगा क्या निकला वन अपॉन अंडर रूट सी वन सी टू आर वन आर टू। ठीक है, अब देखो हम कंडीशन ले लेते हैं कि अगर सी वन बराबर सी टू बराबर हमने कुछ भी मान लिया सी। ठीक है, ऐसे हमने लिया कि अगर आर वन बराबर हो किसके आर टू के, कोई एक वैल्यू मान ली आर। ठीक है, तो देखो उस केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होगी, तो उस केस में होगी देखो वन अपॉन अंडर रूट सी वन, देखो सी वन की जगह पे क्या हो जाएगा सी वन बराबर सी टू है किसके सी के इंटू सी इंटू आर वन बराबर किसके है आर के आर टू भी बराबर किसके है आर के। ठीक है, तो यहां से ओमेगा क्या निकलेगा, तो यहां से ओमेगा निकलेगा अंडर रूट वन अपॉन सी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा हुआ ओमेगा बराबर वन अपॉन सी आर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम सी वन और सी टू आर वन और आर टू की वैल्यू इस तरीके से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, अब देखो हम ये देखेंगे कि उस केस में आर थ्री और आर फोर कितना लेना होगा, तो यहां देखिए आप ये आर फोर है। ठीक है,
आर वन, आर वन किसके बराबर है, आर के, तो आर डिवाइड बाई आर थ्री बराबर, देखो आर टू, आर टू किसके बराबर है, आर के प्लस सी वन सी के बराबर है, ठीक है, इन टू में आर वन किसके बराबर है, आर के, और सी टू किसके बराबर है, सी के, तो देखो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मीन्स आर फोर इन टू आर डिवाइड बाई आर थ्री कितना आएगा, ये आएगा देखो टू इन टू आर, आर प्लस आर कितना हो जाएगा टू आर, देखो आर से आर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या निकला आर फोर कितना होगा, आर फोर होगा टू आर थ्री, तो उस केस में हमें आर फोर कितना लेना पड़ेगा टू आर थ्री, ठीक है। तो ये वो रेजोनेंस, सॉरी ये वो वीन्स ब्रिज में फ्रीक्वेंसी होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वीन्स ब्रिज के थ्रू सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मेजर कर ली, ठीक है, थैंक यू।